यह मामला दो धर्मों को मानने वाले जोड़ों के बीच शादी करने से संबंधित है। मामला हाई कोर्ट में जाता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि धर्म बदलकर विवाह करना मंजूर नहीं है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं ये मामला, जैसा कि बताया गया है, कि लव जिहाद से भी जुड़ता है, लव जिहाद से भी जुड़ता है। आज इसी के बारे में आपके समक्ष मैं बात कर रहा हूं। तो शादी के लिए धर्म बदलना अस्वीकार्य है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ये फैसला आया है, उस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और इसमें कहा गया है, आरोप लगाया गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शादी के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन करने को अस्वीकार करार देते हुए अलग-अलग धर्म से संबंध रखने वाले एक विवाहित जोड़े को पुलिस संरक्षण न देकर एक गलत मिसाइल कायम की है। तो एक महत्वपूर्ण मामला है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है और ये याचिका एडवोकेट अल्दानिश रिन ने दायर की है। वो इस तथ्य से व्यथित हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उक्त आदेश देते समय न केवल गैर धर्म में विवाह करने वाले कपल को उनके अधिकारों की घृणा के सहारे छोड़ दिया है, बल्कि एक गलत मिसाल भी कायम की है। एक ऐसे पार्टनर से किसी एक के द्वारा धर्म परिवर्तन करके अंतर धार्मिक विवाह नहीं किया जा सकता है। लिली थॉमस में भी ये मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में। लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले महीने एक शादीशुदा जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर एक व्यक्ति किसी अन्य धर्म को सिर्फ किसी सांसारिक लाभ यह फायदे के लिए अपनाता है तो यह धार्मिक कट्टरता होगी। यह कहते हुए हाई कोर्ट ने इस निर्णय की गलत व्याख्या की है। याचिकाकर्ता जो सुप्रीम कोर्ट में अभी गया है, उसने दलील दी है और उसने क्या दलील दिया है कि भारत का संविधान धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान करता है और इसमें यह शामिल है कि किसी व्यक्ति को किसी भी धर्म या किसी भी धर्म को चुनने और उसका प्रचार या किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है। इसमें किसी भी धर्म में किसी भी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन का अधिकार भी शामिल है। यानी याचिका में कहा गया है कि राइट टू कन्वर्ट भी इसमें शामिल है। इस पर कोई रोक नहीं है। धर्म का चुनाव किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत पसंद है। यदि न्यायालय किसी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपना धर्म चुनने की अनुमति नहीं देता है तो यह उसके या उसके मौलिक अधिकार का क्या है, उल्लंघन के समान है और जिसकी संविधान में गारंटी दी गई है, ऐसा याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। और यह भी कहा गया है कि जजमेंट का मतलब ये नहीं है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना सांसारिक लाभ या फायदा है, बल्कि इसका मतलब केवल ये है कि इस तरह का धर्म परिवर्तन शोषण के उद्देश्यों के लिए नहीं होना चाहिए और केवल शोषण को सांसारिक लाभ या फायदे के रूप में देखा जाता है। याचिका में कहा गया है कि एक जब अलग अलग धर्म के दो वयस्क एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और अपने माता पिता, समाज, धार्मिक नेताओं आदि की इच्छा के विरुद्ध एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं तो ऐसे में धर्म बदलने की इच्छा को शोषण नहीं कहा जा सकता। कानून और अदालतें तभी हस्तक्षेप कर सकती हैं जब किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से सीधा शोषण हो रहा हो। सीधा सा मतलब है, जाहिर सी बात है, याचिकाकर्ता और उसकी बहन वर्तमान में SCBA के संयुक्त कोषाध्यक्ष हैं। दोनों ही धर्म से मुस्लिम है और विशेष विवाह अधिनियम यानी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत अपने संबंधित हिंदू पति पत्नी से विवाह कर चुके हैं। कहा गया है कि उन्होंने विशेष विवाह अधिनियम की बोझिल प्रक्रिया और अनुचित प्रावधानों को देखा है और भागकर शादी करने जोड़े के लिए उक्त प्रावधान का पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पिटीशन में कहा गया है कि व्यवहारिक रूप से विशेष विवाह अधिनियम केवल उन जोड़ों के लिए है जहां दोनों परिवार ऐसा विवाह करने के लिए तैयार हैं या कम से कम वह कपल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिनियम का एक नोटिस की अवधि को अनिवार्य करता है, यानी अधिनियम के तहत नोटिस देना पड़ता है शादी के लिए और इस तरह के नोटिस पर आपत्तियां आमंत्रित करता है जिससे भाग कर शादी करने वाले जोड़ों के लिए मुश्किल हो जाता है। जो अधिनियम की धारा है 5, 6, 7 और 11 के तहत दी गई प्रक्रिया का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा है कि इसके तहत भाग कर शादी करने वाले जोड़े किसी भी विवाह अधिकारी के समक्ष आवेदन नहीं कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले उनमें से किसी एक का संबंधित विवाह अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में कम से कम 30 दिनों का निवास करना जरूरी होता है।
वहीं इसको साबित करने के लिए उनको कोई प्रमाण दिखाना पड़ता है, जैसा कि किराया समझौता आदि, जो भाग कर शादी करने वाले जोड़ों के लिए मुश्किल होता है। इसके अलावा ऐसे विवाह पर आपत्ति मांगी जा सकती है जिसमें सिर्फ परिवार के सदस्य ही नहीं, समाज का कोई भी व्यक्ति ऐसे विवाह पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है, और इसके लिए 30 दिन का समय दिया जाता है। ऐसे में विवाह करने का जो इच्छुक जोड़े हैं उनको इतने दिन इंतजार करना पड़ता है। याचिकाकर्ता ने हादिया मामले में भी न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की टिप्पणियों पर भरोसा किया है और उनको अपनी याचिका में दोहराया है, जो कहता है कि कानून एक वैध विवाह के लिए शर्तों को निर्धारित करता है। ये रिश्तों के उलझने पर उपचार प्रदान करता है और न तो राज्य और न ही कानून पार्टनर की पसंद को निर्धारित करता है, या इन मामलों में निर्णय लेने की हर व्यक्ति की क्षमता को सीमित कर सकते हैं। ये संविधान के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सार है। इसलिए याचिकाकर्ता ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 को प्रयोग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो उक्त आदेश है उसको रद्द कर दे और दंपत्ति को पुलिस सुरक्षा दे। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि धर्म परिवर्तन करके शादी नहीं किया जा सकता है और ये उपयुक्त नहीं है, पुलिस सुरक्षा ऐसे व्यक्ति को नहीं दी जाती है। यह भी मांग किया गया है कि 1954 का जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके प्रावधान को भी चुनौती दी गई है। विभिन्न हाई कोर्ट में लंबित सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाए और उस पर निर्णय दिया जाए ताकि पूरे देश के लिए अधिनियम में एक रूपता लाई जा सके। वैकल्पिक रूप से यह भी प्रार्थना की गई है कि एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दिया जाए ताकि विशेष विवाह अधिनियम 1954 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में उपयुक्त संशोधन की अनुशंसा कर सके। नव एक ये बात है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय जो होता है जिसमें ये कहा जाता है कि धर्म परिवर्तन करके जो शादी है उसको मंजूरी हम नहीं दे सकते हैं और पुलिस सुरक्षा कपल को नहीं दी जा सकती है, इसी बात को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है इलाहाबाद के निर्णय को। लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला लव जिहाद से भी जुड़ता है। लव जिहाद क्या होता है कि दो धर्म को मानने वाले अलग अलग दो जो जोड़े होते हैं, कपल जो होते हैं, वो शादी करते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य होता है एक तरह से जिहाद, यानी कि लव के माध्यम से जिहाद को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कही है कि लव जिहाद को रोकने के लिए हम कानून बनाएंगे। ऐसी ही घोषणा मध्य प्रदेश की सरकार ने भी की है। हादिया का भी एक मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने हादिया को माता पिता को संरक्षण देने के लिए दे दिया था। बाद में वो फैसला अलग हुआ था कि हाँ, हादिया वयस्क हो गई है, वो रह सकती है अपने पति के साथ, तो या तो मुस्लिम पति। तो ये बहुत अभी तनिष्क का विज्ञापन का एक मामला आया था। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है उससे संबंधित मामला है, उसकी कानूनी प्रक्रिया है शादी करने के लिए। लेकिन ये लव जिहाद को प्रमोट करने का यह एक्ट साधन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये घटनाएं बहुत बढ़ रही है। लड़का लड़की का शादी करने का भी उम्र अलग अलग है, तो ये देखने देखने का होता है। ये भी अभी मुद्दा चल रहा है कि एक तरह से जो शादी आप कर सकते हैं, कंसेंट में रह सकते हैं, लोगों को आज़ादी है, लेकिन देखने की आवश्यकता है कि समाज के जो नॉर्म्स हैं, जो लीगल प्रोविजंस है उसके अनुरूप हो। लेकिन उसके आड़ में लव जिहाद को प्रमोट नहीं कह सकता है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है बहुत सही है कि केवल धर्म बदल कर शादी अगर कर दें तो वैध शादी नहीं हो जाएगी और पुलिस की सुरक्षा कपल को नहीं दी सकती है। कई बार लव जिहाद के नाम पर प्रेम में फंसा कर लड़का लड़की को एक तरह से उसको धर्म परिवर्तन के लिए कन्वर्ट करने के लिए बाध्य किया जाता है और इसी के माध्यम से इसको रोकने की कोशिश की गई है। तो ये लीगल एक तरह से इंफॉर्मेशन था, न्यूज़ था, जो अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर हो रहा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है और ये आपको वीडियो NKT IAS की ओर से प्रस्तुत किया गया। और अच्छा लगे इसको जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।